स्वागत है सभी का एग्जाम सुविधा में यूट्यूब चैनल पर। क्लास 6 से लेकर 12th तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बीज गणित के महत्वपूर्ण सूत्र आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। पिछले भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा यानी बीज गणित, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति, सभी के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। ये एक नई सीरीज आ रही है जहां पर आपको मैथ के सभी फॉर्मूले मिलेंगे। क्लास 9th और 10th के लिए स्पेशल सीरीज है, यहां पर सभी सूत्र आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और 12th वालों के लिए भी दोस्तों फॉर्मूले यहां पर आएंगे इस सीरीज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जिनको चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, 6 से लेकर 12th तक किसी भी क्लास का हो, अगर उसको मैथ के फॉर्मूले नहीं आते हैं तो ये सीरीज आप देख लेना पूरी, आपको एक एक फॉर्मूला कट टू कट क्लियर हो जाएगा और आप मैथ में काफ़ी अच्छा करने लगोगे। सो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला हमें पढ़ना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका ये सूत्र बनता है। अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इस तरह से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस प्लस 2ab और माइनस 2ab का इसमें अंतर होता है। अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सूत्र बन जाता है बच्चों a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये बन जाता है। अगला है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब ये बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और उसी में इंटू a प्लस बी। फिर से देखिए क्या बनता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, उसी में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, उसी में आपको लिखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी, प्लस वाले में प्लस आएगा और यहाँ पर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। इसके बाद ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से इसको ओपन करके हम लिख सकते हैं। अगला है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई में रखेंगे, और ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। नेक्स्ट है हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। अगला है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी। कुछ ट्रिकी फॉर्मूले समझ लेते हैं यहां पर, अगर a प्लस वन अपॉन ए बराबर x है, बीजगणित की ही बात कर रहे हैं, अगर a प्लस वन अपॉन ए बराबर एक्स है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसकी वैल्यू होती है।
अगर a माइनस वन अपॉन a बराबर x है तब a स्क्वायर प्लस वन अपॉन a स्क्वायर का मान हो जाता है x स्क्वायर प्लस टू, और इसी तरह से अगर a प्लस वन अपॉन a बराबर x है तब a क्यूब अपॉन वन अपॉन a क्यूब की वैल्यू हो जाती है x क्यूब माइनस थ्री एक्स। तो ये आपको कुछ ट्रिकी फॉर्मूले याद रखने हैं, और यहाँ पर ये सभी बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको आते होंगे, लेकिन यहाँ से हम अपनी सीरीज चालू करते हैं क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक। किसी भी आप क्लास के स्टूडेंट हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, आपके काम आएंगे ही आएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अलजेब्रा का ये वीडियो था, आने वाले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा मेंसुरेशन, सभी के फॉर्मूले आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।